देखिए अब 24,000 की लिमिट है उनकी, वो भी 24,000 भी एक बार में बैंकों में मिल नहीं रहे। किसी बैंक में 10,000 दे रहे हैं, किसी में 15,000 दे रहे हैं, कोई कह रहे कैश नहीं है, एटीएम से 2,000 से ज़्यादा निकल नहीं रहे। एटीएम से 2,000 का नोट निकलता है, वो उसको चलाने में बड़ी दिक्कत। मार्केट पेपर लेके जाओ 2,000, पेट्रोल भी भराने जाओ, खुले नहीं है उसके पास। सभी जगह वही प्रॉब्लम है, दूध वाला भी वही है, किराने वाला भी। किसी को भी 2,000 का नोट देंगे और पैसे उसको 700-500 देना है, तब वो 1,200-1,300 रुपये वापस कहाँ से देगा? वो वाली प्रॉब्लम तो है। पहली चीज़ तो ये कि लिमिट बढ़ाना चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि 500 के नोट कम से कम निकालना चाहिए इनको। 2,000 रुपये का जो नोट निकल रहा है उसको चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कम से कम जितनी सैलरी है, चलो जो पैसा पहले का मेरे लिए मेरे अकाउंट में 5,00,000 पड़ा है, आप उसमें से नहीं निकाल सकते, लेकिन आज की तारीख में 1 तारीख को अगर मेरा 30,000 रुपये की सैलरी आ रही, आप कह रहे हो कि पुराने जो नए नोट अब चलन में आए, एक ये मैंने और सुना कि नए नोट चलन में आए, 24,000 से आप ज़्यादा निकाल सकते हो। अगर आप नए वाले नोट 2,000 का नोट, 100 का, 50 का, 20 का, ये वाले अगर मैं 5,000 जमा करता हूँ तो 29,000 और निकाल सकता हूँ, तो मैं पहले 5,000 जमा करने के लिए लाइन में लगूँ, फिर निकालने के लिए लाइन में लगूँ तो 29 मिलेंगे, तो मतलब क्या निकला उससे? उससे तो कोई मतलब ही नहीं निकला। नहीं, सैलरी तो अकाउंट में आ गई है, लेकिन उस सैलरी को मैं जो हमारी ज़रूरतें किस निजी ज़रूरतें हैं, जैसे घर का राशन हुआ, गाड़ी का बिल हुआ, कमरे का किराया हुआ, तो हम सेम डे इतना अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम बाकी लोग को पेमेंट कर सके। तो इससे कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बैंक कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कैश दे भी रहे हैं अकाउंट से, और बाकी सारी सुविधाएँ मिल ही रही हैं। दैट्स इट। और हाँ, उनको कुछ ना कुछ अमाउंट तो ज़्यादा देना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके बाकी जो ज़रूरतें हैं, बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, ऑटो का किराया है, वो सब लोगों को पेमेंट कर सके। बाकी लोगों का जो रूटीन है, जिनका कैश इन हैंड से ही सारा चीज़ चलता है, जिनके पास अकाउंट नहीं है, उनका दिनचर्या प्रॉपर चलता रहे। नहीं, मैं तो अभी हार्डली एक घंटा हुआ है लाइन में लगे हुए, तो नंबर आने वाला है, और मैं अभी तक तो पहली बार लाइन में लगा हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तभी लगता है लाइन में आदमी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैं भी पहली बार लाइन में लगा हूँ, और जो लिमिट भी है वो पर्याप्त लिमिट है, क्योंकि आज सैलरी डे का रस ज़्यादा दिख रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बैंक में आज तो सैलरी डे फर्स्ट दिन है, और ये जैसा बताया गया कि हर बैंक में एक्स्ट्रा पैसा भेजा गया है, तो निश्चित आज कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा उम्मीद कर रहा है सर। तकरीबन आधी पौन घंटा हो गया मुझे लाइन में लगे हुए, तो कोई परेशानी नहीं आ रही है, क्यों चूँकि ये लड़ाई काले धन के विरुद्ध है, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। नहीं, इतनी तो ज़्यादा कोई परेशानी तो कुछ नहीं है ना यार, परेशानी तो ऐसी तो कुछ आ नहीं रही है, अभी काम सब नॉर्मल हो रहे हैं, अभी तो सब नॉर्मल भी हो गया है, पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है पैसा। एक अपने को लिमिट बन गई है कि उतने ही तक करना है, 24,000 हफ्ते में निकाल सकते हैं, रेंट भी देना है, सब कुछ देना है, लेकिन उतना असर नहीं, लेकिन नोटबंदी से अपन सपोर्ट में है, समय के साथ में देश बदल रहा है, तो अपने को इतना तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, नॉर्मल जो चीज़ें हैं, बहुत थोड़ी बहुत परेशानी है, वो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट ज़्यादा नहीं निकल पा रहे, अभी 2,000 लिमिट का निकल रहा है, ठीक है, वो तो उतना है, बाकी कार्ड का उपयोग हो जाता है तो अच्छा है, बैंक से भी विड्रॉल हो जाता है, ATM से निकल जाता है, तो ठीक है, दिक्कत।